तेजा वर्सेस तेजो, नागिन सेठ वर्सेस उचारिया। जी हाँ, आपको बता दें कलर्स टीवी की टीआरपी सामने आ गई है, जिसमें आप नागिन सिक्स और उचारिया की टीआरपी के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें जो है नागिन सिक्स बस एक ही नंबर, एक ही पॉइंट पीछे है उजारिया से, जिसमें नागिन सिक्स ने जो है 2.1 की टीआरपी ली है। तो वहीं आपको बता दें उजारिया ने इस हफ्ते 2.2 की टीआरपी ली है। लेकिन आपको बता दें भाई, बहुत जल्द जो है हो सकता है, अगर शो की कहानी और ऑडियंस को पसंद नहीं आई तो उजारिया जो है नागिन सिक्स से काफी पीछे रह जाएगा। यानी कि अब कलर्स टीवी पर नंबर वन शो बन गया है नागिन सिक्स, जो कि बस आपको सैटरडे संडे देखने को मिलता है, लेकिन उजारिया मंडे टू सैटरडे देखने को मिलता है। फिर भी जो है नागिन सिक्स उजारिया से एक पॉइंट पीछे रह गया है। उजारिया जो है 2.2 पर, तो नागिन सिक्स 2.1 पर। यानी कि अब नागिन सिक्स और उजारिया की टीआरपी में होने वाली है कड़ी टक्कर, जो कि आप अगले हफ्ते जब देखेंगे आखिरकार दोनों की टीआरपी कहाँ होगी। वहीं आपको बता दें मेकर्स को नागिन सिक्स की कहानी भी कुछ खास पसंद आ रही है, जिसमें लेकिन उनको तेजस्वी का रोल जो कम दिखाया जा रहा है, जिसको लेकर जो है ऑडियंस फैंस काफी नाराज हैं कि जल्दी से तेजस्वी प्रकाश को उनको शेष नागिन के रूप में देखना चाहेंगे। वही बता दें आपको उजारिया की जो आजकल जो करंट ट्रैक जो दिखाया जा रहा है, जिसमें जैस्मिन का बिहेवियर फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, जिसके चलते कुछ फैंस ने शो देखना ही बंद कर दिया है। तो भाई मेकर्स से यही कहना होगा कि कैसे करके जो है उजारिया की जो शो की कहानी है में कुछ बदलाव लाएं, कुछ उसका ट्रैक चेंज करें, जिसके बाद में जो है फैंस को वापस से उजारिया, वही जो है उजारिया की गाड़ी जो कि टॉप फाइव में आ गई थी, वो देखने को मिले और कलर्स टीवी का नंबर वन शो उजारिया बन जाए। क्या कहना चाहेंगे आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।